आज मैं ये सब कह सकता हूँ कि मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। सत्य और ईमान की मूर्ति भारत के आगामी प्रधानमंत्री, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे जिस गरिमामय तरीके से आप पार्टी में लाया, मैं उसके लिए सभी का और ख़ास तौर से अरविंद जी का इसलिए हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस तरह से महापुरुष बहुत कम धरा पर आते हैं, जो ज़मीन से उठ करके सारा संघर्ष करते हैं। बहुत सी चीज़ें मैं प्रेस से ये भी कहना चाहता हूँ कि सदा का इतिहास है मानव का, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसलिए सारे लोग, जो भी ऐसे लोग हैं, वो किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी पर जो भी उंगली उठाते हैं, वो केवल इसलिए कि अब उनका कोई मुकाबला नहीं। इस देश में आम आदमी पार्टी आम जन जन के हृदय में बस गई है, और मैं फिर से एक बार सभी को, आम आदमी पार्टी को आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ साथ यह भी कहना चाहते हैं, आओ हम सब एक साथ आम जन की सेवा में। तो साधारण आम आदमी रहा मेरा इतिहास है, अभी भैया ने बताया आपको सही, मैंने जब जब चुनाव लड़ा कभी भी सत्ता दल से नहीं लड़ा, सत्ताधारी दल से नहीं लड़ा, और जब जब मैंने चुनाव लड़ा हमेशा प्रतिपक्षी पार्टी से बना, हर बार सत्ता बदली। मध्य प्रदेश में का आज तक इतिहास है कि हर बार सत्ता बदली और वही पार्टी सत्ता से हुई जिससे मैं चुनाव लड़ा। इट इज ए हिस्ट्री और रिकॉर्ड है। मैं ये बात भी आपसे कहना चाहता हूँ कि इस जीवन में मेरी 77 में चुन के आया, ग्राम पंचायत के पद से आया था, 50 साल में नॉट ए सिंगल प्रेस जो हमारे जीवन पर कहीं उंगली उठा सके, क्योंकि जब कोई आदमी इतना बड़ा सब सारी चीज़ें, माननीय ठाकरे साहब हमेशा हम इस समय याद करना चाहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुझे ठाकरे जी को उस समय अध्यक्ष बनाया गया था और मुझे संगठन मंत्री बनाया गया था। उस जीवन से आज तक मैं लगातार और इतना ज़्यादा गौरवान्वित हूँ कि परमात्मा ने केजरीवाल जैसा सत्य और ईमान की मूर्ति इस देश को, मतलब कुशाभाऊ ठाकरे जो मतलब कुशाभाऊ ठाकरे की मैं बात कर रहा हूँ, प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं संगठन मंत्री था, और हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय संगठन के चंद्रशेखर जी उस समय पार्टी के वो ही मुखिया थे, और हम सब लोग उसी उससे निकल के आए हैं। और आज हमारा सौभाग्य है, या ये कह लो कि आप सबकी कृपा है, कि मैं आप सबके बीच गरिमामय तरीके से आम आदमी पार्टी का सिपाही बन रहा हूँ। मैं परमात्मा से सब यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जिस तरह से आपने यहाँ लिया, आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश एक ऐसा इतिहास रचे जिसमें आम आदमी पार्टी आए, और वहीं से आम आदमी मध्य प्रदेश से, इस अभी तक नियम था कि हमेशा प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है, अब प्रधानमंत्री का रास्ता मध्य प्रदेश में जाएगा और आम आदमी का पार्टी वहाँ से आम आदमी आएगा, और इस देश का हृदय है जो मध्य प्रदेश, उसमें निश्चित तौर से विजय हासिल होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आत्मसी करूँ सभी को।